आप उनके साथ में क्यों नहीं रहती? साल की जर्नी में ना मैंने ना इसको हो गया मेरा गरम पानी कुछ भी नहीं याद नहीं। मेरे पास में अमूल क्रीम जो है ना वो आप मेरे को नुमेर की जरूरत, मेरे को बोलते हैं कि बिछा दे, तो बच्चे ने मेरे अच्छी देख रहे आप लोग स्ट्रगल किया, बहुत सरवाइव किया, बहुत सेक्रीफाइसेस किया हम दोनों ने। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? ये देखो मीनू सैटरडे शुरू और ये लोगों का देखो मीनू के साथ में मस्ती शुरू सुबह सुबह। अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, वाह वाह, खेलू कर रहा है। पानी किसके लिए गर्म हो रहा है? तुम्हारे लिए इतना सारा पानी गर्म कर रहे हैं? मुझे लगा प्याओ है इसमें। इतनी बड़ी तपेली और अभी फुल भर के उठाया कैसे लेके जाओगे? मतलब ये इतनी बड़ी तपेली और फुल भर के उठा के कैसे लेके जाएंगे? कपड़े से गिरा पानी पैर पे गिरा। आ, 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 सही बताई फया, ऐसे ही तुम चिल्लाते? हाँ ऐसे चिल्लाते। पानी देखो आपके भाई जो कितना गर्म हो रहा है, अभी हम लोग के सबके पानी गर्म होने वाले। क्या मतलब फिर जाना है क्या? नहीं जाना है। कहाँ पे कहाँ जाना था घूमने? अरे नहीं घूमने नहीं, हम लोग को मंडे को शादी का इनविटेशन आया है। अरे हाँ। और मंडे मेरा स्पोर्ट्स डे भी है। और माही के नाटक रहते स्कूल के, मंडे के दिन नो छुट्टी। कौन सा दिन होता है यार, इंसान शादी रखता तो संडे को रखता है यार। कल है ना रात में ना बहुत वो क्या बोलते मूंगी, कल मैंने वो तुमको दिखाई थी ना मट्टी मट्टी निकल रही है, वो मैंने साफ की लेकिन फिर वापस हो गया। देख लो हटाओ कुकर, हटाओ देखो वापस आया होगा। हाँ वो पूरी मट्टी मट्टी और है ना, कल पूरा किचन में ना मुंगी मुंगी बड़ी बड़ी मुंगी आती है ना, छोटी भी नहीं, छोटी तो थी प्लस बड़ी भी आ गई थी। और नुमेर को ना मैंने कल बेडरूम में नहीं सोने दी, हम लोग ने कल उसको हॉल में लेके सुलाए। मैं बोली मत जा क्योंकि फिर वो मुंगियाँ घुसेंगे। ये देखो ये देखो देखो ये देखो इधर देखो इधर आओ ये वाली मुंगी। हाँ पूरे पूरे मतलब मैं कितना साफ कर रही मालूम। फिर रात में अभी फिनेल से फिर और साल था कि फिनेल से पूरी जमीन पोछी ना, उसके बाद में फिर अभी देखो नहीं दिख रहे ले क्या करना मालूम है रात में। हाँ वहाँ से सामान हटा के रख देना। क्या करेंगे अंदर काम करना पड़ेगा। मैं सीमेंट भर देता हूँ पूरी मोड़, मैंने अंदर डब्बे हटा के देखी पूरी मट्टी मट्टी निकली हुई है। साफ करके मैं ना सीमेंट भर दूंगा। अच्छा डब्बे हटा देना और कुछ मत कर। ठीक है हाँ रात में सीमेंट डाल के उसको सही से कर देता हूँ। कैसे बैठी देखो ना जो इसको मच्छी निकाले इसका निकालो जरा मच्छी इसकी। रात को नींद आई हॉल में? कल इसको हम लोग साथ में लेके सोए थे, नहीं तो ये अंदर सोता है ना बेडरूम में। नींद आई वहाँ पे? कितनी मुंगी थी ना कल घर में। नुमेर की भी डर गया, नुमेर भी आ गया बाहर। अम्मी बोली बाहर आके सो जा, चुपचाप आ गया, बोले आ जाओ भाई बाहर नहीं तो कहाँ घुस जाएगी कान में। अरे ये लेकर आए तुम, लगा ही नहीं मेरा बेसन में, बेसन के लिए लेकर आए इन्होंने, पानी लीकेज हो रहा है वो। मैं बोली लेकर आओ मीनू को। लगा दो जरा वो भी फज्जू, अभी तुम तुम्हारा पानी उठाओ, चलो हमारा भी पानी रखो। ये हो गया मेरा गरम पानी देखो। माही ने बोली थी लगेगा, कपड़ा दे माही, एक और कपड़ा दे माही, कपड़ा दे उनको बोली थी ना अब यार कम भर लेते पानी, आप यार दूसरे उसमें देख लेते इतना पानी भर लेंगे। कौन बोलता है इसको? ये तो पर इतना गरम पानी उन्हें सब डाल दिए। मैं बोल रही थी नहीं है बात, नहीं वो पानी है ना ये कपड़ा अंदर चले गया था। दो कपड़े लेने से तस कपड़ा लेके जाते थे, तसा नहीं जी अच्छा था सूख गए मतलब। हाँ मैं कल घड़ी नहीं करी इसके लिए, मैं बोली नहीं हल्का हल्का ठंडा दिख रहा है। ठंडा है ना? अच्छा लग रहा है क्या भाई? सूखे नहीं है इसलिए
इसलिए तो मैं हाथ लगा लगा के देख रहा हूँ ना। सुख गए, सुख गए, फर्स्ट क्लास समझे। अच्छा सभी सुख गए मतलब फिर। हाँ हाँ ये क्या है, मैं नहीं खड़ी करी कल, मैं बोली रहने दो इसको, वापस कल डालेंगे रिटर्न। नहीं, कोई बात नहीं ना, चलो ठीक है, होता है होता है, छोटे बड़े शहरों में तो ऐसी ऐसी छोटी बातें 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 होती है। नहीं हमारे घर में भी होती है, हमारे घर में ज्यादा होती है, लेकिन क्या बोलते हैं। उसकी मच्छी निकाल के रखी हूँ ना, तो ठंडी है ना वो, लेकिन उसको सबर नहीं है। चलेगी नुमेर का फ्राई कर रही हूँ मैं ऑमलेट पाव, और आजकल नुमेर भी मेरे जैसे खाने लगा है, टमाटर कांदा मिर्ची, क्या बोलता नुमेर, मजा रही ना। कोई भी चीज़ को ना एक बार खा के देखना चाहिए, पहले ही नहीं किया अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इसको खिलाई थी मेरा अंडा, तो उसको अच्छा लगा ना, तो देखो बोले लगा कि आम नहीं देखो हमारे जैसा बना। चले यहाँ से ब्लॉग का आगाज करेंगे, आज सैटरडे वाला ब्लॉग। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अपने घर में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह आप सबको खुश खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, कोई दुख परेशानी मेरे किसी भी अपनों की तरफ नहीं। चले आज का सैटरडे वाला ब्लॉग का आगाज हो चुका है, एंड कमेंट्स, ज़्यादा ज़्यादा कमेंट्स पढ़ के जाऊँगी, अभी मोबाइल भी नहीं है, कुछ भी नहीं, याद भी नहीं है, तो जाते जाते मेरी एक बहन का कमेंट्स मैं ज़रूर करूँ, ठीक है। ब्लॉग को पूरा देखना, स्किप नहीं करना, और सैटरडे वाला ब्लॉग इन्जॉय करना, ठीक है, बाय। अच्छा मिर्ची जो है ना, ये मिर्ची देख रहे आप लोग, इसको मैंने ना कूट के डाला है ताकि इसके मुंह में नहीं आए, कूट दिया मैंने। चलो चलो चलो, ये दरवाजे से क्यों है, जाओ वो दरवाजे पे जाओ, बंद है यहाँ काम कर रही हूँ ना बच्चा, बंद है वो, हाँ, खोलो जा, खोल माही वो दरवाजा, सारा ना अंडा बना रही हूँ डैन डैन। चले बाजार आ गया, मीनू खा चुकी है फज्जू, ये चिकन है क्या, हाँ। चलो बाजार आया है, 60 रुपया किलो, हाँ। अच्छा मिला कांदा, चलो मोटे बड़े मिले, ठीक है, हाँ। ये चिकन कैसा मिला, 160 था, आधा किलो के ऊपर है थोड़ा, हाँ 108 रुपए का चिकन, 108 रुपए चिकन, ठीक है। अब ये बचे 250 रुपए में, 40 रुपए 250 में से 40 बच गए, 250 में से 40 रुपए बचे, हाँ। 210 रुपए खर्चे हुए, हाँ ये 10 का है, और ये कोथमीर पुदीना 20 रुपए का, चलो ठीक है। नुमेर बेटा ले चिकन रख दे पहले, क्या है फ्रीजर में डालना ऊपर, बता जरा खोल के बता दे, देख, हाँ नम्मा को दिखाने का, ये देख वो रेड रेड देते ना, लेके नहीं आना बेटा रेड वाले, ये देख कैसे है नरम है, देख हाँ मीनू को दिखा दो, हाथ लगा ना मीनू को दिखाएंगे, मीनू उड़ी मार लेगी, समझे ना, रख दे बेटा। चलो ये देखिए आपके फैयाज भाईजान के ना कांदा मसाला चावल, उनको पाव नहीं खाना है, और साथ में अंडा, क्या बोल रहे वहाँ से आएगी, देखा मिया मीनू, अच्छा मीनू यहाँ से जाती वो दरवाजे, तुमको दौड़ा रही है वो, देखो देखे ये रखो, क्या अब भाग गई मतलब आ भागी, आ भागी भागी ऊपर, ये देखिए हमारी मम्मी इधर खाना पका रहे, मम्मा आई देख मीनू सतारी यहाँ से, वहाँ से यहाँ से भागेगी, उधर से आएगी, उधर से भागेगी, इधर आएगी, देखे हेलो मुंह देख ना, हाँ खाइए पेट भर के, दे दी खाना, मैं खा के भी कैसे मांगती है, हाँ बदमाश, ये बदमाश।
पहले। रात में जा 10 बज जाए है, सामने गुड्डा ही लगा हुआ है, वहां लगा देगा टीवी का पलंग निकाल दो। रात में मच्छर काट रहे थे, दुनिया का तेरी मम्मी को मच्छर काट के रखे थे, समझे? अरे मैं बोलना भूल गई उसको, फज्जू मैं उसको बोलना भूल गई। हाँ लगा दूंगी मैं, चलो ठीक है, मैं बोलना भूल गई। अल्लाह हाफिज, संभाल के चला गाड़ी। अल्लाह हाफिज, सलाम दुआ करा मैंने? हाँ हाँ, मेरे को नहीं पता। नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग? खैरियत होगी? बढ़िया होगी? मजे में होंगे? बढ़िया होगी। दुआ मुझको लगे, मेरी दुआ आपको लगे, मगर आपकी दुआ ज्यादा इस गरीब को ही लगे। हाँ लगे लगे, इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। बच गए, पता है आपको, डेढ़ दो पौने दो होने, दोपहर हो गई है, दोपहर हो गई है। खा लिए? मस्त, अच्छा बना चाइनीज? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बना है आपने चाइनीज। और रात के बचे हुए चावल जो थे ना वही है, अच्छा है ना, काम तो आए ना। मगर हाँ, ठंडा फ्रिज से निकाल के डायरेक्ट खाना नहीं चाहिए, उसको गर्म करके ही छानना खाना चाहिए, नहीं तो बैक्टीरिया रहते ना उसके अंदर। बैक्टीरिया? ये बैक्टीरिया से बैक्टीरिया कब हो गए? ये मेरे भैया मेरे हस्बैंड ने न्यू इजाद किए। चलो भाई संभाल के चलाना, संभाल के चलाना। हाँ अल्लाह हाफिज। अच्छा जी चले, आपके फैयाज भजन, आधा व्लॉग तो आपके फैयाज भजन के साथ में बस हंसते खेलते मस्ती मजाक करते करते निकल जाता है, आधा दिन तो मेरा उनके साथ निकल जाता है, आधा दिन मेरा कामों में निकल जाता है बच्चों के साथ में। तो चले ये निकले गाड़ी पे, और माही का यूनिफॉर्म धोने के लिए बैठ गई थी मैं, स्कूल का यूनिफॉर्म माही का भी है और नुमेर का भी, जो ब्लैक कलर का उसके पास में ना एक प्लेन शर्ट है और एक लाइनिंग वाला, और हाँ एक रेड और ब्लैक भी उसके पास में टी शर्ट है। तो ये तीन कपड़े ना जो ये रिपीट, मतलब ये ना क्या कर रही है, मतलब इसको ही रिपीट कर रहा है, तो मैं इसी को धो देती हूँ। सैटरडे है तो सोचा कि चले इसके नुमेर के जो शर्ट्स हैं ना वो भी मैं हाथ से धो दूँगी, और माई का यूनिफॉर्म तो मैं हाथ से ही धो देती हूँ क्योंकि वॉशिंग मशीन का भी भरोसा नहीं होता ना कि आज लगे कल लगे। तो आपके भाईजन को जैसा वक्त मिलता है वैसे वो लगा के सारे कुछ एक साथ में धो लेते। तो चलिए आज सैटरडे है, माई का यूनिफॉर्म धुल जाएगा, नुमेर का भी यूनिफॉर्म धुल जाएगा। अच्छा वॉशरूम में थोड़ी सी ना तकलीफ हो रही है धोने के लिए क्योंकि वॉशरूम बहुत छोटा है, आप लोग भी नोटिस कर रहे होंगे ना, तो थोड़ा सा ना तकलीफ हो रही है कपड़े धोने के लिए। तो जैसे जैसे एडजस्ट करके धुल जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि धुल जा रहे, थोड़ी सी छोटी है मोरी, बट चलो ठीक है। नुमेर को मैंने बोला कि चल तू इसको बेटा ड्रेन कर दे और फटाफट इसको सूखने डाल दे कि ये सूख जाए, ठंडी का मौसम है। आपके फैयाज भजन ने बोले सूख तो जा रहे बट मुझे ये लग रहा है कि शायद नहीं सूख रहे, बट फिर भी मैंने बोला कि नहीं भाई तू उसको डाल दे बेटा बाहर, ये सूख जाएंगे जल्दी, क्योंकि माई का जो फ्रॉक है ना वो स्कूल का वो ही थोड़ा सा ना बहुत जाड़ा कपड़ा है ना, तो जल्दी वो सूखेगा नहीं। माही मैडम जो गई थी अपनी फ्रेंड को बुलाने के लिए क्योंकि अभी इसको करना है आज होमवर्क, आज क्या होमवर्क रोज़ी करती है, बट सैटरडे है तो जाके फ्रेंड को बुला के लेकर कि मम्मा घर में बुला के मैं होमवर्क कर लेती हूँ। चलो ठीक है, अच्छी बात है, घर बड़ा हो गया तो बच्चों को भी फायदा हो गया कि चले फ्रेंड्स को बुला के घर में होमवर्क कर लेती, वरना पहले तो अकेले ही बैठ के करती थी क्योंकि जगह ही नहीं होती थी ना, छोटा सा घर था पहला, तो आप लोगों को भी पता है। बट अब घर बड़ा हो गया तो मैं तो बोलती हूँ फ्रेंड्स को बुला के घर में खेला भी कर तू, क्योंकि अभी तो कोई मसला नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जगेगा तो आराम से खेल भी किया कर, तो बुलाती है कभी कभी अपने फ्रेंड्स को। चले आज बना रही थी मैं आपके फैयाज भाई से चिकन मंगाई आधा किलो, और आज बना रही थी मैं कच्चे गोश्त की बिरयानी, बहुत दिन हो गए ना बिरयानी नहीं बनी। अच्छा एक बार पुलाव बन चुका तो 3 दिन पहले आई थिंक, तो सोचा चले पुलाव तो बन गया है बट बिरयानी अभी तक ये बनी नहीं है घर में आई हूँ जब से, तो मैंने बोला कि चले आज सैटरडे है बिरयानी बनाती हूँ, बच्चे तो घर में ही है, नाश्ता तो इन लोग का अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है, जब तक मेरी बिरयानी बन जाएगी ना उन लोग का नाश्ता डाइजेस्ट हो जाएगा। तो मैंने सोचा चले आज ना बिरयानी इन्जॉय करते, तो कच्चे गोश्त की बिरयानी। अच्छा रेसिपी शेयर करूँ आप लोगों के साथ में मेरे स्टाइल वाली, वैसे तो मेरी सारी बहनों को आता है बनाने के लिए, मदीना क्या ही सिखा लेगी आप लोगों को, मुझे पता है बहुत माहिर माहिर बावर्ची है मेरी बहन लोग, तो बस आपकी बहन जैसे बनाती ना वो सिंपल सा वो मैं शेयर कर लेती हूँ कभी कभार, तो अच्छा लगता है आप लोगों को, मुझे पता है कि आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट्स भी करते हो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मदीना बहन अच्छी लगी आपकी रेसिपी, तो इंशाल्लाह हम लोग ट्राई करेंगे, तो करो ट्राई मेरी रेसिपी भी ट्राई करो। बट इतना कुछ मेरी रेसिपी इतनी कोई हाई क्लासी रेसिपी नहीं होती, ऐसे सिंपल सी रेसिपी होती है, तो शेयर कर लेती हूँ। चले कांदा चॉप हो गया है यहाँ पे मैंने सबसे पहले बिरयानी के लिए, तो आप लोगों को पता है कांदा फ्राई करे बने बिना बिरयानी में वो टेस्ट नहीं आता है जो आना चाहिए। वैसे तो मैं कभी कभार कट शॉर्ट में ना डायरेक्ट भी कांदा मतलब पका के भी बिरयानी डायरेक्ट भी बना लेती हूँ, बट कभी कभी मूड हो गया तो चले फ्राई करके बनाते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग? तो चले यहाँ पे कांदा भी मेरा फ्राई हो गया, बटाटा भी मैंने फ्राई कर दिया 2 बटाटे, यहाँ पे जो चावल जो है ना वो भी अभी मैं इसको धो के रख दूंगी जब तक कि जो है ना मेरे चिकन को जो है ना मैरिनेट कर लेती हूँ। तो चले आधा किलो चिकन मैंने यहाँ पे ले लिया,
उसके साथ में मैंने 2.5 चम्मच जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड किया, गरम मसाला जो है ना वो अक्खा गरम मसाला वो मैंने ऐड किया, 2 जो है ना टमाटर बड़े वाले वो मैंने ऐड किया, और एक कटोरी छोटी सी कटोरी दही है ना वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। अच्छा यहाँ पे कुछ स्पाइसेस है जैसे कि ना हल्दी है मेरे पास में 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच काली मिरी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच जो है ना तीखी लाल मिर्च और 1 चम्मच जो है ना कश्मीरी लाल मिर्च और 2 चम्मच जो है ना वो धनिया पाउडर मैंने डबल डाल दिया, मतलब 2 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया। अच्छा थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी डाल रही हूँ क्योंकि आधा किलो का बना रही हूँ ना इसीलिए। अच्छा ये एवरेज का जो है ना बिरयानी मसाला ना ये 10 रुपये का पाउच है, ये भी मैंने पूरा शामिल कर लिया। अच्छा यहाँ पे जो है ना आधा कटोरा जो है ना वो मेरे पास में अमूल क्रीम जो है ना वो आधा कटोरी मैंने अमूल क्रीम भी इसमें ऐड कर दिया। अच्छा आखिरी में जो है ना धनिया और पुदीना इसको भी मैंने धो के अच्छे से ना काट के वो भी मैंने इसमें शामिल कर लिया। बटाटे जो मैंने फ्राई किए थे वो भी शामिल कर लिया और ये जो कांदा जो मैंने फ्राई किया था ये मैंने थोड़ा सा बचा के रखा आखिरी के लिए, बाकी मैंने सारा कुछ जो है ना कांदा भी मैंने इसमें शामिल कर लिया। तो चलिए अभी इसको जो है ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं और उसके बाद में जो तेल में मैंने कांदा फ्राई किया था ना वही तेल से मैंने 5 चम्मच जो है ना वो तेल भी मैंने इसमें ऐड कर लिया और अच्छे से उसको मिक्स कर दिया मैंने। और बस इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, कच्चे गोश्त की बिरयानी है ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि चिकन है गल जाता है, तो वैसे भी दही में से तो आप लोगों को पता है पानी निकलेगा, फिर चिकन में से भी निकलेगा, फिर मैंने मलाई भी इसमें ऐड किया उसमें से भी निकलेगा। तो मैंने थोड़ा से पानी इसमें जो ये कटोरा है धोया मैंने, जो दही का कटोरा था और जो मलाई का कटोरा था ना वही मैंने धो के समझ लो कि आधा आधा कटोरा मैंने इसमें पानी उसमें शामिल कर लिया, तो मतलब 1 कटोरा पानी अक्खा कटोरा पानी समझ लीजिए। चले यहाँ पे जो है ना चावल को बस बॉईल करने के लिए थोड़ा सा गरम मसाला कोतमीर और तेल मैंने इसमें ना पहले ही गरम पानी कर लिया और उसके अंदर सारे चावल जो है ना वो मैंने शामिल कर लिया और बस थोड़े टाइम में क्योंकि चावल ऑलरेडी भिगा हुआ था तो ये जो चावल है ना वो पक गए। चले यहाँ पे मेरे को नुमेर की ज़रूरत पड़ गई बिकॉज ये छानना है जो मेरे बस की बात नहीं है, बहुत कभी कभार कोशिश करती हूँ बट चटका तो मुझे लगता है हमेशा मेरे को चटका लगता है, तो मैंने बोला कि चले अभी रिश्ते लेते हैं, नुमेर को बोलते हैं कि नुमेर बेटा आके छान ले क्योंकि नुमेर घर में है, और नुमेर घर में रहता है तो समझ लो कि मेरा बेटा काम आ जाता है मेरे, हाँ नुमेर नहीं रहेगा तो मैं ऐसे वैसे करके बना ही लेती हूँ, ऐसा नहीं चटका भी लग जाता तो बना तो लेती हूँ मैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनाती हूँ, बन तो जाती है मेरी। तो मेरे नुमेर को मैंने बोला कि बेटा जरा इसको छान के, और वो जो मसाला मैंने तैयार किया ना उसी के ऊपर सो जो है ना सारा चावल मैंने नुमेर को बोल दिया कि बिछा दे, तो बच्चे ने मेरे कर दिया हेल्प। और उसके बाद में बस आपको तो पता है कि चावल बिछने के बाद में कांदा कोतमीर और फ्राई कांदे हमारे और कलर एंड केवड़ा वगैरह जो भी डाल के उसको एक बिरयानी का लुक दे देंगे। चले ये तो मेरी ऑलमोस्ट बिरयानी बन चुकी है, बस इसको अभी थोड़ा दम देना है। अच्छा जाते जाते एक कमेंट है जो मेरी बहन मुझे काफ़ी टाइम से कर रही है, तो उनको मेरे उनके सवालों के कुछ जवाब चाहिए जो मैंने दिया नहीं, तो उनका कमेंट मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। पहले उनकी आईडी लगा रही हूँ मुस्कान हकीम और कमेंट भी उनका साथ ही में लग गया है। उन्होंने मेरे को लिखा है आप अपनी सासू माँ के घर पर क्यों नहीं रहती, वो तो अकेले रहती है, अगर आप वहाँ पे रहेंगे तो आपका साथ हाथ बढ़ जाएगा मतलब, एंड उनका घर खुद का है या फिर उनका भी रेंट का है। देखिए बहन ये आपका जवाब सवाल था और मेरा जवाब ये है कि सबसे पहले जो मेरी सास है वो नाला सुपारा में रहती है और उनका भी घर जो है ना वो रेंट का ही है। सेकेंडली आप बोल रहे आपने बोला कि आप उनके साथ में क्यों नहीं रहती ये सवाल है कि मैं क्यों नहीं रहती उनके साथ में। देखिए यहाँ पे आज थोड़ा से मैं यहाँ पे ना मेरी कुछ आपके साथ में और कुछ भी बहन लोग ये सोचते भी होंगे कि मैं हम लोग मतलब सेपरेट क्यों रहते हैं, हम लोग जॉइंट फैमिली में क्यों नहीं रहते, मैं अपनी सास के घर में क्यों नहीं रहती। तो देखिए मैं अपने सास के घर में इसीलिए नहीं रहती क्योंकि मुझे कभी किसी ने रखा ही नहीं है, एकदम क्लियर बोल रही हूँ। मैं कभी उनके घर में रही ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे किसी ने अलाउ किया ही नहीं था। हाँ आज की बात नहीं करूँगी, आज तो मैं अभी भी जाऊँगी तो मुझे मेरी एंट्री फुल ऑन है, मुझे आज कोई मना नहीं करेगा अगर मैं वहाँ पे जाऊँ उनके साथ में रहने के लिए भी, तो आज मुझे मना नहीं करेंगे क्योंकि आज जाहिर सी बात है मैं उनकी फेवरेट बहू हूँ, फेवरेट भाभी हूँ, तो फेवरेट बहू और भाभी को कौन मना करता है। लेकिन मैं आज से 20 साल के पहले की बात कर रही हूँ कि जब मेरी शादी आपके फैयाज भजन से हुई थी ना तभी मुझे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था मेरे ससुराल में, तो जिसकी वजह से हम लोग पहले से ही अलग ही रहते। तो ये 20 साल की जर्नी में ना मैंने आपके फैयाज भाईजान के साथ में सुख दुख हंसी खुशी हर दुख तकलीफ ना हम दोनों ने मिलके एक दूसरे के साथ में ना ये 20 साल हम लोग ने निकाल लिया है।
ये 20 साल में आप यकीन करें, आज आपकी मदीना बहन आपको जो हंसते हुए और एक अच्छी लाइफ दिखती है ना आपकी मदीना बहन की, ये 20 साल में यकीन करें बहुत स्ट्रगल किया, बहुत सर्वाइव किया, बहुत सेक्रीफाइसेस किया हम दोनों ने एक दूसरे के लिए, जिसकी वजह से आज ये 20 साल की लाइफ में हम लोग सुकून से हैं। और हाँ, रही बात के आपकी मदीना बहन को, मदीना बहन अगर साथ में रहती है, ज्वाइंट फैमिली में रहती है, तो आपकी मदीना बहन को हेल्प हो जाएगी। तो आप लोग कहीं से भी, आप लोग को मुझे देख के ऐसा लगता है कि आपकी मदीना बहन के लिए, आपकी मदीना बाजी को किसी की भी हेल्प की ज़रूरत है कि मदीना बहन कर नहीं सकती? क्योंकि देखिए, जब भी मैं खुद को देखती हूँ, ट्रस्ट मी, जब भी मैं खुद को देखती हूँ ना, मैं हमेशा अपने लिए एक ही बात बोलती हूँ कि नहीं मदीना, तू ये कर सकती है, एंड डेफिनेटली मैं वो चीज़ करती हूँ। हाँ, कहीं नहीं कर पाऊँगी तो है मेरे हस्बैंड मेरे साथ में, बट अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए मुझे किसी की हेल्प चाहिए इसीलिए मैं साथ में रहूँ, ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि हाँ, मैं साथ रहने के लिए कभी एतराज़ नहीं कर रही हूँ कि हाँ मुझे ससुराल वालों के साथ रहना नहीं है, नहीं नहीं, मैं रहने के लिए एतराज़ नहीं कर रही हूँ, बस मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे 20 साल हम लोग अलग रह रहे हैं और 20 साल से हम लोग ने एक दूसरे के साथ में वक्त निकाल लिया है, तो फिर आज क्यों? और अल्लाह का शुक्र है कि लाइफ तो मेरी सेट है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अलग हूँ, सेट है, मैं सब कुछ करती हूँ, अल्लाह का बहुत एहसान है, मेरे को किसी की ज़रूरत पड़ी ही नहीं है अल्लाह ने, क्योंकि मुझे किसी का मोहताज बनाया ही नहीं है, ना ससुराल वालों का, ना मैके वालों का, मैं दोनों की बात करूँगी, ये नहीं मैं बोलूँगी कि मैं सिर्फ ससुराल वालों के बारे में बोल रही हूँ, मुझे मैके वालों का भी अल्लाह पाक ने मोहताज नहीं रखा, क्योंकि अल्लाह पाक ने मुझे फैयाज को नवाज़ दिया है, उन्होंने मुझे दे दिया एक सहारा कि इसी के साथ में तेरी ज़िंदगी निकल जाएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी उनके साथ में निकल चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आधी लाइफ निकल चुकी है। अब मैं नहीं, मुझे नहीं पता भी मैं कितना टाइम में हयात रहने वाली हूँ, बट इतना मैं बोलूँगी कि मेरे लिए जो आधी लाइफ निकली है ना, ये आधी को मैं समझूँगी कि मैंने पूरी लाइफ जी लिया है। अभी मुझे, मतलब मेरे को ऐसा लगता नहीं कि कुछ बाकी है। हाँ, अगर कुछ बाकी है तो अपने शौहर के लिए और अपने बच्चों के लिए बस एक अच्छी ज़िंदगी देखना चाहती हूँ मैं, जो हर औरत देखती है, हर एक माँ देखती है, तो एक अच्छी ज़िंदगी मैं उनकी देखना चाहती हूँ, और उसके बाद में बस कोई बात नहीं, अल्लाह का बुलावा आएगा तो चले जाएंगे, क्योंकि ये ज़िंदगी तो अल्लाह की है, देखिए अल्लाह की अमानत है। बट और हाँ, एक दुआ मैं हमेशा अल्लाह पाक से करती हूँ कि ना अल्लाह पाक मुझे मेरे शौहर के सिवा किसी का मोहताज मत बनाना, क्योंकि मैंने बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट से अपनी ज़िंदगी जी हूँ, और मरना भी मैं ऐसी ही पसंद करूँगी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। तो अल्लाह पाक से एक ही दुआ हमेशा करती हूँ कि किसी का मोहताज मत बनना, उससे बेहतर है कि आप मुझे अपने पास ही बुला लेना, ये दुआ मैं हमेशा हमेशा करती हूँ, हमेशा। चले, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।